Today I will be telling you the major important topics of developmental biology one must definitely study for CSIR NET exam. Alright, here's a little information. If you really want to score a good rank, preparing modules with important topics can really help you out to achieve that, no doubt with that, right? Important topics aapko pata hai, jinme se questions aayenge hi aayenge, to please unko achche se revise karo, bar bar revise karo, unse related jitne bhi questions hain, please solve that, right? और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस जो है अवेलेबल है. आई मेड सेवरल वीडियोस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू ईच मॉड्यूल. सो प्लीज़ गो थ्रू दोज मॉड्यूल्स, दोज वीडियोस वंस. एंड ऑल यू नीड इज टू एनालाइज ईच टॉपिक केयरफुली एंड सॉल्व रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद रिगार्ड टू दैट टॉपिक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? ओके. Okay, if we talk about Del Bio, see, interesting hai subject, no doubt, right? But lengthy hai. So, aap achhe se wahi cheeze repeat karein, wahi cheeze padhein, that seeks your maximum attention, right? Topics important bahut saare hain, but jitne bhi aap prepare karein, bahut achhe se karein, right? Aur sara prepare kar lenge to usse achha to kuch ho hi nahi sakta. सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं डेल बायो में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में से मोस्टली सेक्शन बी में से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है. सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज़ पोटेंसी, इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंसिएशन, किस तरीके से डिफरेंशिएशन फॉलोज डिटर्मिनेशन, राइट? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ म्यूटेंट, म्यूटेट, म्यूटेशन. सी, बहुत पास पास हैं ये टर्म्स, राइट? बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, देर आर की डिफरेंसेस बिटवीन दीज टर्म. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, राइट? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्म सेल एंड स्टेम सेल, राइट? इनके बारे में पढ़ो एंड ट्राई टू लिस्ट डाउन एटलीस्ट 7 to 8 डिफरेंसेस बिटवीन देम, राइट? बिकॉज मैं हमेशा आपको बोलती हूँ डिफरेंसेस के फॉर्म में पढ़ना बहुत अच्छा रहता है. और अब पढ़ा आपने, उसके बाद आप खुद से पॉइंट लिख रहे हो, एनालाइज होता है, कि आपको कितना समझ में आया, कितना याद हुआ. एंड अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आता देन थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, राइट? कहीं ना कहीं वो टर्म उसमें आई हुई मिलेगी आपको दूसरे क्वेश्चन में, राइट? So you must go through these terminologies in a very precise manner, right? Okay. Next, moving on to the second thing, gametogenesis, fertilization and early development, right? Early embryogenesis. सबसे पहले तो production of gametes, right? Gametes की productions कैसे होती है, difference between spermatogenesis, oogenesis में क्या difference है, step by step क्या process पूरा follow हो रहा है, right? ये बहुत बेसिक है, क्लास 11, 12 में भी आपने पढ़ा होगा. और सिर्फ डेल बायो की बात नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी ये टॉपिक आता है, राइट? सो अच्छे से आप इसको पढ़ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज ऑलरेडी आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, बट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, राइट? नेक्स्ट इज़ वॉट टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज पैटर्न ऑफ एग, राइट? अलग अलग तरीके के एग जो हैं प्रेजेंट हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स. आइसोलेसिथल इज देयर, टेलोलेसिथल इज देयर, सेंट्रोलेसिथल इज देयर बेस्ड ऑन योर कंसंट्रेशन, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ योर, राइट? इस तरीके के जो टाइप्स हैं, जो क्लीवेज पैटर्न्स हैं, राइट? होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, डिस्कॉइडल क्लीवेज है, ब्लास्टोडिस्क, व्हाट इज ब्लास्टोडिस्क, इस तरीके के जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनसे फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, राइट? सेक्शन बी में भी आ जाता है और सेक्शन सी में भी आ जाता है. कई बार टाइप्स ऑफ एग्स दिए होते हैं, उनके एग्जांपल्स दिए होते हैं, यू हैव टू मैच कि कौन सा एग जो है कौन से ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, राइट? सो सिर्फ टाइप्स आपको याद नहीं रखने, यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स दैट बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन. मोस्टली सेक्शन सी में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट?
फर्टिलाइजेशन का पहले जर्नल स्टेप्स आप याद करो, स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए फर्टिलाइजेशन का, राइट। देन इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हो रही हैं पूरे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन में, फॉर एग्जांपल स्पर्म और एग का रिकग्निशन हो रहा है, राइट। तो उसमें एग की जो लेयर्स हैं, ज़ोनोपलासिडा की जो लेयर्स हैं, किस तरीके से ZP1, 2, 3 इंटरैक्ट कर रहा है स्पर्म के साथ, व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, राइट, सच काइंड ऑफ थिंग्स, किसका इंटरैक्शन किससे हो रहा है, राइट, कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, कौन से बाइंडिंग मैसेंजर्स प्रेजेंट हैं, क्या चीज़ें स्टिमुलेट कर रही हैं, पूरा अच्छे से, राइट। क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत एनालाइज वन बाय वन स्टेप में जो है आपको पढ़ना है, बिकॉज डेफिनेटली क्वेश्चन सेक्शन सी में फर्टिलाइजेशन से आता है, राइट। ओके, सिर्फ ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, गो थ्रू फॉर दैट प्लांट्स ऑल्सो एंड फॉर सी अर्चिन्स एम्फीबियंस से भी रिलेटेड फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। सो यू मस्ट रिमेंबर द स्टेप्स, कई बार स्टेप्स पूछ लेते हैं, उनको अरेंज करने के लिए बोल देते हैं, उल्टे सीधे स्टेप्स लिखे होते हैं एंड नाउ फाइंड द करेक्ट ऑर्डर, राइट। सो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, सी बेसिक थिंग तो वही होनी है, एग और स्पर्म का रिकग्निशन हो रहा है, बस थोड़े बहुत स्टेप्स में जो है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट जो है वो डिफरेंस है। ह्यूमन के केस में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। ओके, देन स्टेजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या स्टेजेस हैं, मोलोलाइजर, ब्लास्टोलाइजर, गैस्ट्रोलेशन इज देयर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री स्टेजेस, राइट। मेक अ टेबल, लिस्ट डाउन द डिफरेंसेस एंड ट्राई टू मेमोराइज देम, राइट। ओके, देन जर्म लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, हाउ दे फॉर्म्ड, राइट। देन व्हाट द अल्टीमेट आउटकम क्या है उन जर्म लेयर्स का, कौन सी लेयर क्या बनाएगी, ऑर्गन्स का हो गया, डक्ट्स का हो गया, ब्रेन सेल्स का हो गया, राइट, स्किन का हो गया, कौन सी जर्म लेयर क्या बनाएगी, यू मस्ट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर, यू मस्ट नो द एक्सेप्शंस टू, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉर श्योर हैं कि वो पूछेगा ही पूछेगा, राइट, बिकॉज डेल बायो इज रिलेटेड बेसिकली जो है एम्ब्रियोजेनेसिस से जो है फोकस किया जाता है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है ऑर्गेनिजम्स की, राइट। तो बेसिक चीज़ें सेटअप बेस होना ज़रूरी है, सो यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स वेरी केयरफुल, राइट। ओके, नेक्स्ट इज वॉट, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं दैट यू हैव टू फोकस अपॉन, ड्रोसोफिला इज देयर, फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, सी एलिगेंस, सी अर्चिन्स में से भी बहुत बार जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, फ्रॉग, राइट, फ्रॉग पे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में कई बार आ रहा है, एम्फीबियन एंड बेसिकली डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर से जो है अर्ली एम्फीबियन डेवलपमेंट में क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर द थिंग्स, राइट। ड्रोसोफिला में क्या पूछेंगे आपसे, उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है पूछेंगे, उसमें जो जीन्स इन्वॉल्व है, गैप जीन्स देयर, सेगमेंटेशन जीन्स आर देयर, होम्योटिक जीन्स आर देयर, उसके बारे में आपसे पूछेंगे, राइट। एक्सपेरिमेंटेशन फॉर्म में क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, अगर ये चीज़ म्यूटेट हो जाए, ये जीन ओवर एक्टिवेट हो जाए, देन वॉट विल द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज, क्वेश्चंस आर लाइक दिस, वी विल लुक अपॉन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, सो मेनली फोकस अपॉन दिस, ट्राई टू लर्न द थिंग्स रिलेटेड टू दीज टर्मिनोलॉजीज, ऑलराइट। देखिए सेक्शन बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्टेटमेंट्स जो आपको मिलेंगी ज़रूर बड़ी बड़ी मिलेंगी, बट दो तीन क्वेश्चन का कलाज फॉर्म में जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये 97 क्वेश्चन देखिए आप, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैटेनिन इन द न्यूक्लियाई ऑफ ब्लास्टोमियर्स इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द एम्फीबियन एम्ब्रियो, राइट, एम्फीबियन एम्ब्रियो के बारे में पूछ रहे हैं, इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स फॉर लेइंग डाउन द डोर्सल वेंट्रल एक्सेस, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म ऑफ GSK3 इन द वेंट्रल सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, राइट। ये केस टाइप क्वेश्चंस हैं, राइट। डू रिमेंबर कि आप कोई भी ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, राइट, आप फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन क्वेश्चंस वो आपसे पूछने वाला है कि अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा, अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा, राइट। तो केसेस को आपको ध्यान रखना, राइट, और पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स देखना और देखना कि किस फॉर्म में जो है वो
क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए ड्रोसोफिला के ऊपर क्वेश्चंस जो है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स के जो है 5 जीन्स दे रखे हैं और कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनसे रिलेटेड, राइट। सो ये एक तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। बट सी इसमें से भी एक केस डाला हुआ है, म्यूटेशन इन एंटीनापीडिया इज नोन टू कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटीना टू लेग लाइक स्ट्रक्चर, राइट। ये सब चीज़ें हमने अपने स्लाइड में भी देख वीडियोस में भी देखी थी ड्रोसोफिला का व्हेन वी वर कवरिंग दैट टॉपिक, राइट। सो क्या होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, राइट। केस दे दिया गया आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। सो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आप इन क्वेश्चंस तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हो। बेशक अब एज यू नो दैट कि टाइम इज नॉट दैट मच रिमेनिंग, एग्जाम इज अप्रोचिंग, सो फोकस ऑन 2 or 3 थिंग्स, राइट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ डालो, नो, क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, राइट। बट रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन ईच टॉपिक, बिकॉज ये टाइम रिवाइज करने का है, राइट। ये टाइम नए टॉपिक्स लर्न करने का नहीं है। यू कैन डू दैट नो डाउट, अगर आपके पास टाइम है तो आप करिए, बहुत अच्छा है, बिकॉज जितना स्टैक बिल्ड होगा नॉलेज का उतने ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। बट ट्राई टू मेमोराइज वन थिंग, ट्राई टू रिमेम्बर वन थिंग कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत होना। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास है, जितना आप कर सकते हो, 2, 3, 5, 7, 8, 10 जितने भी टॉपिक्स आप कर सकते हो आप कीजिए, राइट। बट इतने अच्छे से करना कि उसको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन गो फॉर दैट, राइट। सो क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट। ओके, सी हेयर आर अदर क्वेश्चंस। अब सेक्शन बी में मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच एम्ब्रियोनिक लेयर, राइट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एपिडर्म, एंडोडर्म, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, राइट। और नेक्स्ट इज व्हाट, लाइक 95 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन रिलेटेड दिया हुआ है 97, दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड दीज आर डैम इजी। अगर आपने इन टर्मिनोलॉजीज को जैसे मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में बताया अच्छे से समझ लेंगे देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, राइट। ओके, तो 96 क्वेश्चन आप देखिए, when the blastomere pairs of 8 cells stage tunicate embryo or dissociate each from most of the structure would have formed it remain in the embryo, right। again jo hai ek case de diya gaya hai aur fir se dekhiye specifications related question hai, right। specification conditional specification autonomous specification ke beech mein difference dekhna, questions ye wale aaram se solve hote hain, bahut zyada difficult nahi hai ye subject। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस तरीके के कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं गो फॉर दैट, राइट। क्योंकि अगर आप देखिए आपको इन चारों ए बी सी डी में से एक स्टेटमेंट भी करेक्ट पता है तो आप उसके साथ अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो आसानी से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट, अगर ए स्टेटमेंट सही है तो आप ए के साथ ही देखिए कौन सा दे रखा है, सी दे रखा है या डी दे रखा है, राइट। दो ऑप्शंस ऑड ऑप्शंस तो अपने आप हट जाते हैं। ये स्ट्रेटजीज़ मैंने कि हाउ टू सॉल्व सेक्शन सी क्वेश्चंस ये बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था, प्लीज़ कीप दोज थिंग्स इन योर माइंड सो दैट यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जाम, राइट। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। All right, there is a little information that can help you guys in your preparation with the use of standard ebooks. Here is the link to download ebooks for free. I collected some of the very good standard ebooks from many resources. Some I bought from my teachers and some from my friends. Some I downloaded and purchased on my own. So on this side, you can find the various ebooks, standard ebooks related to many subjects like ecology, evolution, developmental biology, microbiology, biochemistry. Many books are there. So whatever you need, whatever there is a requirement, whenever you need those books, you can simply go through this link and can download those books in the PDF format for free. Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon.
For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.